पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूर्व उद्योग और शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पहले से ही इस मामले में जेल में हैं और अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपनी जांच और तेज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के एक और विधायक को गिरफ्तार कर लिया है। टीएमसी विधायक माणिक भट्टाचार्य को ईडी ने गिरफ्तार किया है। माणिक भट्टाचार्य बंगाल शिक्षा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ईडी ने यह कार्रवाई माणिक से लंबी पूछताछ के बाद की है। पूरा मामला प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों में अनियमितताओं से संबंधित है। इसी साल जून में कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर माणिक भट्टाचार्य को पद से हटाया गया था। उन पर इस घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे, जिसके बाद मामला उच्च न्यायालय पहुंचा और वहीं पर यह आदेश दिए गए। माणिक भट्टाचार्य टीएमसी के दूसरे विधायक हैं जिन्हें ईडी ने इस मामले में अरेस्ट किया है। इससे पहले पार्थ चटर्जी को जुलाई में गिरफ्तार किया गया था। वह टीएमसी के सीनियर नेताओं में से एक थे, लेकिन घिरने के बाद ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी और मंत्री पद से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। ईडी ने पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के दो फ्लैटों से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की थी। वहीं ईडी की टीम ने माणिक भट्टाचार्य से सोमवार दोपहर पूछताछ शुरू की थी। लंबी पूछताछ के दौरान जांच में सहयोग न करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई है। गौरतलब है कि सीबीआई ने भी इस मामले में 27 सितंबर को टीएमसी विधायक को पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन वे जांच एजेंसियों के सामने हाजिर नहीं हुए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था कि माणिक भट्टाचार्य सीबीआई के सामने पेश हों। इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जहां से उन्हें राहत मिली थी। शीर्ष अदालत ने एजेंसी को आदेश दिया था कि अगले किसी निर्णय तक कोई एक्शन न लिया जाए। हालांकि अब ईडी ने उन पर शिकंजा कस दिया है। ईडी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि भट्टाचार्य को अदालत से जो राहत मिली थी वो सीबीआई को लेकर थी, लेकिन ईडी अलग एजेंसी है। इसी मामले में ईडी अलग से जांच कर रही है और आर्थिक लेनदेन के मामलों पर उसकी ही नजर है। इसके अलावा अन्य मामलों पर सीबीआई जांच कर रही है। माणिक को अब ईडी की ओर से पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि इसी साल मई में कलकत्ता हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके अलावा ईडी को भी इस मामले में शामिल किया गया है। ईडी की ओर से सितंबर में इस केस में पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।